आजकल बालों की कई समस्याएं हो रही हैं, जिससे बाल झड़ रहे हैं, बालों के जड़ कमजोर हो रहे हैं। इन बालों के नरिशमेंट के लिए हम एक आज तेल बना रहे हैं, जिसमें मैं मेथी का इस्तेमाल करूंगी, आंवले का इस्तेमाल करूंगी और करी पत्ते का इस्तेमाल करूंगी, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्दी है। हाय फ्रेंड्स, आजकल हम बालों की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिसे हमें बालों का झड़ना, बहुत सारे केमिकल्स वाले डाई और ये सब हम यूज़ करने की वजह से बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कम उम्र वाले बच्चों में भी हो रहा है, और जो मिडिल एज हैं उनके लिए भी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसके लिए मैं एक घर की ही चीज़ों से एक उपाय बताऊँगी, एक तेल बनाऊँगी जो कि बालों के लिए बहुत यूजफुल है, जो कि मैंने मेरी मम्मी लोग जो बड़े लोग यूज़ करते थे वही चीज़ें आज मैं दोबारा बनाएंगे अपने बालों के लिए। आइए देखते हैं। ये मैंने नारियल के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आज मैं एक हेयर ऑयल बना रही हूँ जो कि हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, और ये बालों को काला भी करेगा, बालों को जड़ से स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये मैंने नारियल का तेल लिया है, इसमें मैं कड़ी पत्ते डालूंगी। तेल थोड़ा गर्म हो जाने पर इसमें मैं कड़ी पत्ते डालूंगी। कड़ी पत्ते भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके साथ मैं ये मेथी सीड्स का इस्तेमाल करूंगी। मेथी सीड भी हेयर को, उनके स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करता है और हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है। ये थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, जिससे इसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे तेल में आ जाए अच्छे से। ये अच्छे से गर्म हो जाएगा। आंवला पाउडर बाजार से मिल जाता है, तो ये मैं आंवला पाउडर जो है बालों को काला करता है, इसको भी मैं ये तेल मेरा अब ठंडा हो चुका है, और ये इसमें आंवला जो है बालों को काला करने का काम करेगा। तो इस तेल को मैं इसी तरह इस शीशे में स्टोर कर लूंगी, जिससे, और जब तेल को लगाऊंगी मैं इसी तरह से बालों में तेल को लगा के एक दो घंटे बालों में रख के आप इसको बालों को अच्छे से धो लीजिए, या फिर रात को पूरी रात बालों में लगा के आप सो जाइए, कपड़ा बांध के बालों में आप सो जाइए और सुबह बालों को अच्छे से धो दीजिए। इससे आपके बाल हेल्दी रहेंगे और धीरे धीरे बालों का रंग भी आपका काला हो जाएगा, जैसे ब्राउन हेयर्स हो जाते हैं बच्चों के। ये बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ भी यूज़ कर सकती हैं, गर्ल्स भी यूज़ कर सकती हैं। तो ये सबके लिए बहुत ही नेचुरल चीज़ है, तो इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत हेल्दी भी होता है इसके लिए। इस तरह से हम इसको स्टोर कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। इस तेल को आप ब्रश की सहायता से बालों में लगाइए, पूरे बालों में अच्छे से ब्रश से लगाइए, या फिर हाथ में ग्लव्स पहन के लगाइए, क्योंकि आंवला जो है ये हाथ में रंग लग सकता है, इसलिए इसको आप ब्रश की सहायता से इस्तेमाल करें। इस तेल को हम शीशी में भरकर
काफी दिनों तक, करीब एक महीने तक स्टोर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एक साथ ना बनाएं, थोड़ा थोड़ा बनाएं और महीने भर तक उसको स्टोर करके रख के इस्तेमाल कर सकते हैं।